तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टैबलू डेटाबेस की। हमने डेटा कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन फाइल कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था आपकी टैबलू के अंदर में आप फाइल की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की फाइल को कैसे आप कनेक्ट करेंगे ताकि उस पर आप डैशबोर्ड या एनालिसिस को कर सकें। अब हम बात करें जी मतलब कि ऐसे जो सर्वर लाइव डेटाबेस फाइल की बात नहीं कर रहे, हम लाइव डेटाबेस की बात कर रहे हैं। जी जैसे कि टैबलू सर्वर की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि टैबलू सर्वर आपने ले रखा है, हालांकि मैं डेस्कटॉप ले रखा है। अगर मैं टैबलू सर्वर की बात करूं, मैं बताता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ना सर, तो जी यहाँ पे मैं साइन इन की बात करूं, जो मेरा ये नहीं है। तो टैबलू सर्वर में क्या होता है, बताया तो आपको कि आपको एक लोकेशन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस में। अपनी पूरी डेटाबेस को टैबलू सर्वर, टैबलू की टैबलू कंपनी के सर्वर के ऊपर अपनी रख सकते हैं और कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरा 365 है, इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ अपने फाइल वगैरह। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल को जब सेव करता हूँ, तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे वन ड्राइव दिख रहा है आपको, पर्सनल, इसका जी पाथ मिल जाता है। क्या ओके तो इससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख दूं, कल के डेट में मैं किसी सेलफोन से या किसी से अगर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर देखिए टाइप का एक्सेस है, तो टैबलू सर्वर भी उसी तरह से वर्क करता है कि आप सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन को कर लीजिए और इसको कहीं भी उसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है इसके लिए से टैबलू को परचेज करना होता है, लेकिन मेरा तो स्टूडेंट वर्जन है तो सर इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं उसको और समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है बाकी सब कुछ सेम होता है, बस आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, जैसे कि डेटा के कॉन्फ़िगर करना होता है। बस टैबलू सर्वर पे क्लिक कीजिए और आपको पाथ पे क्लिक कीजिए और आपको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, पासवर्ड वगैरह, आईडी पासवर्ड डालिए और कॉन्फ़िगर कर। राइट टैबलू के बाद बात करते हैं एसक्यूएल सर्वर की। अब देखिए, यहाँ पे माई एसक्यूएल है और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर है, दो चीज यहाँ पे है।
जी तो MySQL होता है आपका इसका होता है आपका PHP का होता है जो PHP जैसे दो दो वेबसाइट है ना .NET है और एक PHP है तो .NET का बैकएंड डेटाबेस होता है SQL सर्वर इसका MySQL क्या होता है इसका PHP क्या होता है MySQL होता है तो ये आपका MySQL का होता है इसके क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पर अपना सर्वर नेम डालेंगे अपना पोर्ट कर डालेंगे आईडी और पासवर्ड डालेंगे आपका कनेक्ट हो जाएगा ठीक है बार मैं आपको दिखा भी देता हूं मैं मेरा एक मेरा खुद का है ड्राइवर इसका ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा सर ये मेरा माय स्कूल का डेटाबेस है सर ओके ये आपका बट इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा पहले जो वेबसाइट है ना सर उस वेबसाइट की डेटाबेस है जहां पे जो भी हमारे पास जो बैकएंड में डेटाबेस हम लोग रखते हैं वो डेटाबेस यहाँ पे होता है PHP के थ्रू सेव होती है तो इसकी जो ड्राइवर है पहले हमको ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा अच्छा यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा मैं एक बार डाउनलोड करके इसको बता दूंगा ठीक है लेकिन जैसे आपकी ऑनलाइन डेटाबेस जो होती है जो क्लाउड पे होती है जैसे कि वहां से कैसे लेंगे जो हमारा क्लाउड पे है जिसका पाथ हमारा iptindia/8080 है यहाँ से हम कैसे लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आपका पाथ बना होगा ये हमारा 3036 पोर्ट हो गया एंड यहाँ पे हमारा पासवर्ड हो गया ठीक है यहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे ये आपका कनेक्शन इनपुट होता है लोकल होस्ट अच्छा यूजर नेम iptindia है माफ कीजिएगा भूल गया इसकी ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से कनेक्ट हो जाता है उसके बाद ओरेकल अब
सिस्टम में अगर ओरेकल इंस्टॉल एसक्यूएल डेटाबेस होता है SQL आपका माइक्रोसॉफ्ट का है ना सर जी दावा का हो ओके तो बहुत सारे वेबसाइट जो कंपनी जो जावा प्लेटफॉर्म पर काम करती है तो वो अपना डेटाबेस है ओरेकल रखती है ओरिकल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मेरे सिस्टम में सर ओरिकल अभी नहीं है लेकिन ओरिकल और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा सेम होता है ठीक है ना SQL server SQL server होना चाहिए इसमें मैंने नया PC खरीदा ना तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाला है ओके पुराना वाले PC का तो सब कुछ था नए वाले PC में बहुत चीज नहीं है तो हम यहाँ SQL सर्वर की बात करें ऐसे अमेज़न रेड सीट होता है अमेज़न की जो वेबसाइट होती है वो भी आप डाल सकते हैं बहुत सारे लोग यूज करते हैं SQL सर्वर है यहाँ पे मैं SQL सर्वर की यहाँ पे डाल दिया और डेटाबेस नेम मैं IPT डालता हूँ और मेरा विंडो डिक्लेरेशन पे है मेरे पास ID पासवर्ड पे नहीं डाला हुआ है डाला होता तो मुझे यहाँ डालना होता और हम यहाँ पे साइन इन क्लिक करते हैं हो गया कनेक्ट जी यहाँ पे मेरा डेटा वन दिख रहा है आपको जी नेम सिटी एंड अमाउंट है ठीक है तो इस तरह से SQL को कनेक्ट कर सकते आगे चल के मैं बड़े बड़े डेटा के साथ कनेक्ट करना चाहिए बस कनेक्टिविटी आपको हम सिखा रहा हूँ जब बड़े जब हम इसकी रिपोर्टिंग शुरू करेंगे तो आपको हम कनेक्ट करना सिखाएंगे इसका बड़े बड़े डेटा यूज करेंगे ऐसे यहाँ पे बहुत यहाँ पे देखिए कितने सारे सॉफ्टवेयर से इसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स पे आते हैं तो गूगल ड्राइव तो इधर आया है ना जब गूगल ड्राइव नहीं था सर तो हम लोग ड्रॉप बॉक्स इस्तेमाल करते थे ड्रॉप बॉक्स क्यों यूज करते थे क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में ज्यादा मिलता था ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग करते थे कि हम अपना जैसे कि मैं यहाँ पे IPT Delhi 123@gmail.com हम लोग अब डेटा को शेयर करते थे क्योंकि एक ड्राइव हम इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते थे तो एक ड्राइव की तरह हो जाता था और कई सारे पीसीज में हम डेटा रखते थे और आपस में डेटा एक्सचेंज हम इसी से करते थे मेल करना होता था ना डाउनलोड करने की जरूरत है वो अपने आप लोड हो जाता ठीक है सर जी तो ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल हम इससे करते थे तो आप ड्रॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं मैं एक ड्रॉप बॉक्स पे ID क्रिएट करता हूं और आपको समझाता हूं ठीक है dropbox.com इंस्टॉल भी कर लेते हैं हम लोग IPT Delhi 123@gmail.com कर दिया था ईमेल आईडी मुझे यहाँ रखना चाहिए था
जो इसका यूज हम लोग डाउनलोड ड्रॉपबॉक्स आ गया ना इंस्टॉल करने के बोला है तो हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ड्रॉपबॉक्स पे चलते हैं। ठीक है आ गया। यहां पर मैं एक डेटा फाइल अपलोड कर देता हूं। हम यहाँ 2 GB का दिख रहा है आपको, 2 GB का स्पेस यहाँ पे मुझे 2 GB का स्पेस मिल जाता है, 18 GB तक का स्पेस मिलता है इसमें सर। पहले हम वीडियो करते थे, चूज करके हमने इसको फाइल को अपलोड कर दिया। अपलोड हो गया जी। इस फाइल को मैं टैबलो में कनेक्ट करता हूं। वन टू थ्री स्कोर SP 07। अलाउ कर दिया जी। एक मिनट लग रहा है कुछ दिक्कत है इसमें, दोबारा करता हूं। ड्रॉपबॉक्स जी। क्या सर आ गया डेटा वाला? ठीक है आपने इसको कनेक्ट कर दिया। आ गया सर डेटा हमारा। अब जैसे कि ड्रॉपबॉक्स को आपको डाउनलोड कर ले एज ए ड्राइव राइट सर, तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही उसमें डेटा अपडेट करके सेव करेंगे वो ड्रॉपबॉक्स की सर्वर पे अपडेट कर देगा, और जैसे ड्रॉपबॉक्स की सर्वर अपडेट होगा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और डेटा के 2 मोड है, लाइव और एक्सट्रैक्ट। लाइव कर दिया तो आपका कनेक्टेड है, आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, उसने उसको डाउनलोड करके अपनी मेमोरी में रख दिया। तो लाइव और स्ट्रेक हर डेटा कनेक्टिविटी के साथ होता है। तो बेटा आपको इसका जी हाँ चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी में सॉरी तो ड्रॉपबॉक्स इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे आप गूगल एनालिटिक्स की बात हम कर लेते हैं। इसको अलाउ कर दिया। आ देखिए यहां पे ये हमारा देखिए अकाउंट नेम हो गया, नई वेबसाइट india.com हो गया, ऑल वेबसाइट डेटा लास्ट 30 डेज
ठीक है ना, ऑल यूजर्स हमने यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा डेटा आ गया, स्ट्रैक डेटा है लेकिन, तो और हिडन फाइल तो ये गूगल एनालिटिक्स क्या होता है समझ में आता है आपको सर? नहीं, चलिए हम पहले आप गूगल एनालिटिक्स को समझिए कि आखिर होता है क्या है। इस पर डेटा लास्ट 30 डेज नहीं करता हूं, करता हूं लास्ट ईयर। देखिए गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल पे डाला हुआ है, राइट सर? iptindia.com गूगल पे हमको डाला हुआ। तो यहाँ पे उस वेबसाइट की एक रिपोर्ट हम हमेशा दिखती है, वो गूगल एनालिटिक्स के जरिए दिखती है। आ जाएगा दिया। तो ये रहा गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ऑल वेबसाइट डेटा। तो अभी मेरी वेबसाइट में कोई इंप्रेशन नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है जी। मैं रिपोर्ट का ऑल, ये रहा हमारा सुजीत कुमार या iptindia.com, इसको मैं ऑल वेबसाइट डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ हमारा ये रिपोर्ट्स पूरी बन के आती है कि क्या हिट्स कितना क्या हुआ है लास्ट टाइम में, पूरा आपको दिख रहा है। तो ये जो रिपोर्ट मान लेते बने बनाए रिपोर्ट्स हैं हमारे, ये हमारे बने बनाए रिपोर्ट्स हैं। बने बनाए रिपोर्ट्स है इसमें, और आप जो है इसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, समझे जी? ऐसा रिपोर्ट नहीं चाहिए आपको, अलग रिपोर्ट चाहिए या किसी और रिपोर्ट चाहिए तो गूगल एनालिटिक्स में वो डेटा को डाल लीजिए। यहाँ पे नो चल रहा है, कुछ दिक्कत हुई, मेरी वेबसाइट का डोमेन चेंज हुआ है किस तरह से लग रहा है। अरे चीज हुआ है, क्या बोलते हैं, सर्वर चेंज हुआ है, मैं ध्यान ही नहीं दिया था कि सर्वर चेंज है, इसलिए पेंडिंग वेरिफिकेशन दिया, पेंडिंग वेरिफिकेशन पेंडिंग है, नहीं दे रहा है हमारा। यहाँ पे लास्ट 30 डेज 80 यूजर दिख रहा है। तो ये गूगल एनालिटिक्स होता है, तो वो उनके
एनालिटिक्स जो कि अपनी वेबसाइट को एडसेंस वगैरह पे एडवर्ड वगैरह पे देते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं कि जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऐप ऐप यूजर कितने ने कितने ने देखा है, किस लोकेशन से देखा है, इस तरह की एनालिसिस करते हैं क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट गूगल पे सेल होती है, गूगल के जरिए सेल होती है ना, सर्च के जरिए इस्तेमाल करने के लिए होता है गूगल एनालिटिक्स डाटा। ऐसे आपका गूगल बिग क्यूरी भी होता है, गूगल क्लाउड भी होता है, तो ये थोड़ा पेड होता है। हम गूगल सीट की बात कर रहे हैं, गूगल सीट को यूज करते हैं। गूगल सीट जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है जो कि अब एक्सेल नहीं परचेज करती है, गूगल सीट पे अपना काम करती है जी। जैसे मेरी अगर बात करें तो मेरा जो डेमो क्लास का रिक्वेस्ट फॉर्म है, देखिए यहाँ पे मेरे पास गूगल ड्राइव में जितने फाइल्स है वो फाइल आपको दिख गया, तो यहाँ पे डेमो रिक्वेस्ट मेरा आ गया, मैंने इसको तो मेरे डेमो क्लासेस की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है गूगल सीट पे स्टोर होती है क्योंकि गूगल फॉर्म से कनेक्टेड है जी। बन गया ये देखिए अब इस एनालिसिस को कर सकते हैं कि मेरे पास वीवीए वाले कितने डेमो क्लासेस आए, दिल्ली से सिटी वाइज कितने आए, डे सैटरडे संडे को किया, समझ गया ना जी। एनालिसिस कर सकते हो, एक गूगल सीट से लाइव कनेक्टेड है। तो बहुत सारी कंपनी जो है गूगल सीट को यूज कर रही है आजकल, एक्सेल को यूज नहीं करती है। okay. और जैसे वीवीए एक्सेल में वीवीए है, ऐसे गूगल में जावा की प्रोग्रामिंग होती है। okay. तो गूगल सीट भी धीरे धीरे मौजूद में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को टक्कर देगा। okay. ठीक है, तो गूगल सीट कनेक्ट करेंगे वो हमने आपको बताया कि इस तरह से हम गूगल सीट के साथ कनेक्ट। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे है आपका, आपके पास आईबीएम के डेटाबेसेस है तो उनकी माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विस, जैसे कि आपका ये है गूगल एनालिटिक्स था, वैसे माइक्रोसॉफ्ट की भी अपनी एनालिटिक्स सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे डेटा है तो आप ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उठा सकते हैं, पीडीएफ की तरह पेजेस वगैरह आएगा। वन ड्राइव, मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है वहां डेटा उठ के आ सकता है। जो गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स है ना, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है जी जी, तो वहां से कनेक्ट करके जैसे ड्रॉपबॉक्स आपने किया था वैसे यहाँ करना है। MySQL, Oracle, उसके बाद आपका ये तो नॉर्मल सारी चीजें, ये सब तो है ही नहीं, SAP वगैरह से भी लेके आ सकते डेटा को। और यहाँ पे MySQL है। अब यहाँ पे आता है वेब कनेक्टर, तो वेब कनेक्टर के लिए तो ये सही नहीं रहता है क्योंकि बहुत स्लो हो जाता है, बहुत सारे वेबसाइट का डेटा रीड नहीं करता है। तो जो मैंने तरीका बताया था एक्सेल के थ्रू वो इसका यूज कर सकते हैं जी एक्सेल में। हाँ, इसके अलावा कोई और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपकी फाइल के थ्रू होगी, दूसरा आपका हो गया सर्वर के थ्रू। अब मान लीजिए कि बार बार कोई फाइल से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कनेक्शन को सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सेव्ड डेटा सोर्स मिल जाएगा। तो तीन तरह की कनेक्टिविटी होती है, कोई पर्टिकुलर फाइल को ढूंढ लें, दूसरा आपका होता है टू सर्वर, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्सेस से, ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वर्सेस से, सर्वर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा आपका होता है सेव सोर्स, कि आपको बार बार कनेक्टिविटी ना करना पड़े, इसलिए हम सेव सोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप उस कनेक्शन को फाइल में जाके सेव कर दो, वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, समझे? ठीक है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम आपको कल से हम बताएंगे कि हाउ कैन प्रिपेयर द डैशबोर्ड।
ठीक है सर, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, बाय बाय।